हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू चिल्ड्रन। बच्चों, आज जो हम नया टॉपिक लेंगे हिंदी ग्रामर का, उसे समझेंगे वचन। क्या पढ़ेंगे हम? वचन। तो आप जल्दी से वचन समझने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक निकालें, साथ में पेंसिल रखें। अभी आप चाहें तो रफ नोटबुक में लिख लें, फिर धीरे धीरे आप अच्छे राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में इसे लिखते जाएंगे। बच्चों, वचन क्या होते हैं ये आप जब छोटे थे, फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, तब भी आप क्या आए थे, तब आपके क्या आता था, जैसे कमरा लिख दिया तो आपको क्या लिखना था, कमरे, गमला, गमले, ऐसे करते थे ना हम वचन। यस, अब आप आ गए थर्ड क्लास में, तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे, यानी कि जरा थोड़ा विस्तार पूर्वक हम इस वचन को समझेंगे। हमारी जो बुक है उसके चैप्टर दे रखे हैं हमने, इस चैप्टर के बाद आपके जो भी चैप्टर के बाद ग्रामर आती है बच्चों, उस ग्रामर में हमने क्लियर एक एक चीज़ क्लियर हुई है। पर इसके अलावा मैं आपको और भी टॉपिक लेके इसकी डिटेल समझा रही हूँ, ताकि आप उसको अपने नोट्स बनाएं, उन नोट्सों को पढ़ें और अपने आप उनको लिखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वह है वचन। क्या है? वचन। अब वचन किसे कहते हैं? वचन यानी के नंबर। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन क्या है? अगर आपको लिखा जाए कि वचन किसे कहते हैं या वचन क्या है, तो आप लिखेंगे शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। अब बच्चों, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जैसे एक पुस्तक है, पर बहुवचन में क्या होगा, जब एक से अधिक पुस्तक हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे हम? बहुवचन कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। अब आप प्रश्न लिखिए कि वचन किसे कहते हैं, तो आप उसका आंसर लिखेंगे शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन या बहुवचन। अब आप देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के भी बहुत सारे नियम होते हैं बच्चों। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, अब एक वचन और बहुवचन की भी परिभाषा समझेंगे। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि वचन परिवर्तन के नियम, वचन परिवर्तन के नियम कैसे, अब आप जानिए। जैसे आप कई बार तो लिखते हैं लड़की, तो क्या हो जाता है? लड़कियां ये आ जाता है। कई बार आप लिखते हैं कमरा, तो क्या होता है? कमरे, तो कौन सी मात्रा आ गई? एक ही मात्रा आ गई। तो ये कभी एक ही मात्रा, कभी या पे चंद्र बिंदु, कभी एक ही मात्रा पे बिंदी, ये शब्द हैं। इन सबको हमें समझना होगा कि ये क्यों होते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, कभी आ की, कभी ए की, कभी चंद्र बिंदु वाला। ये सारा परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन जो वचन है इसके परिवर्तनों को समझना होगा। तो बच्चों, आज तो हम ये देखते हैं कि वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। दूसरी बात हमने सीखी वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब आप समझेंगे एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन, जो शब्द एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे एक वचन कहलाते हैं। क्या लिखेंगे हम? जो शब्द, अब एक शब्द रहता है बच्चों, जैसे अगर मैंने बोला किताब, पेन,
मेज। तो शब्द, तो एक शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, बोध यानी पता चलता है, उसे हम कहते हैं एकवचन। जैसे खिलौना, पेंसिल, छात्र, टोपी आदि, ठीक है। अब है बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराते हैं वे बहुवचन कहलाते हैं। वे शब्द एक से अधिक वस्तुओं, अब यहाँ एक से अधिक क्या आ गई? वस्तुएं आ गई, व्यक्ति आ गए। अब यहाँ पता चल रहा है आपको, वस्तु की जगह हमने क्या कर दिया? वस्तुओं। व्यक्ति की जगह हमने क्या करा? व्यक्तियों का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे खिलौने, पेंसिलें, छात्रों, टोपियां आदि। तो ये हो गए बच्चों हमारे एकवचन और बहुवचन। तो आज का होमवर्क है आपका, आप इसे ध्यान से देखिए कि एकवचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, और वचन किसे कहते हैं, और वचन के भेद कितने होते हैं। तो कितने क्वेश्चन बने हमारे? 4 क्वेश्चन। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं, और एकवचन किसे कहते हैं, और बहुवचन किसे कहते हैं। तो बच्चों कल की वीडियो में जो आपके वचन परिवर्तन के नियम है उन्हें हम समझेंगे। थैंक यू।